Assalamualaikum, this is Mann from Sissy Tech. Welcome back with another amazing video. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे top 5 best laptop for student. इस वीडियो में सारी चीजें शामिल होगी, उनकी specs क्या हैं, क्या कौन सा model है, किस price range में आएगा. तो वीडियो को last तक देखिएगा, वीडियो को skip मत कीजिएगा. तो जल्दी से वीडियो को start करते हैं. अच्छा जी, इस वीडियो में मैं जिन लैपटॉप का जिक्र करूंगा वो सब ऐसे लैपटॉप हैं कि आप उस पर अपनी स्टडी भी कर सकते हो, इन फ्यूचर आप उसके साथ जॉब भी कर सकते हो. इसीलिए मैं एक ऐसे आपको लैपटॉप दिखाऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करो ताकि आपका 5 से 7 साल रिकवर करे वो. तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें शामिल होगी और ऑलमोस्ट सब लैपटॉप मेटल बॉडी में होगे, प्लास्टिक बॉडी में कोई लैपटॉप नहीं होगा. अगर हम अपने सबसे पहले लैपटॉप की बात करें जो कि एप्पल की तरफ से प्रोवाइड किया गया, मैकबुक एयर 13 विद M1 चिप बहुत ही पावरफुल चिप है. अगर आप एज कम्पेयर इंटेल i7-11 जनरेशन के कम्पेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. अगर हम इसमें कोर्स की बात करें, आपको 8 कोर CPU देखने को मिलता है विद 4 परफॉर्मेंस कोर्स, 4 एफिशिएंसी कोर्स, 7 कोर GPU देखने को मिल जाता है इसमें आपको एंड 16 कोर न्यूरल इंजन आपको इसमें CPU देखने को मिल जाता है, जो कि M1 चिप बहुत ही पावरफुल है. 2020 से कंटिन्यू है अभी तक. इसमें M1 Pro, M1 Max आ गई है. अगर सितंबर तक देखें आपको M2 भी इसमें देखने को मिलेगी. अगर हम इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको 8GB RAM ऑन बोर्ड देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते. लेकिन इसमें काफी वेरिएंट आपको 16GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है. अगर हम स्पेसिफिकेशन में स्टोरेज की बात करें तो 256GB की SSD प्रोवाइड की गई है, जो कि आप इंक्रीज कर सकते हो 2TB तक. उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफी शार्प डिस्प्ले होने वाला है आप सबके लिए. और अगर आप इसमें कोडिंग क्या मजा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये लैपटॉप आपके लिए. इसमें आपको ट्रू टोन बैकलाइट मैजिक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है आप सबके लिए. अगर आप लाइक 24 आवर आप कोडिंग करना चाहते हैं, आपको कीबोर्ड पे वर्किंग करके हाथ थक जाते हैं, तो ये कीबोर्ड आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है. उसके बाद अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें तो आपको इसमें कोई USB-A की पोर्ट देखने को नहीं मिलेगी, USB Type-C की पोर्ट्स देखने को मिल जाती है उसमें. और उसके बाद हम डिस्प्ले की नेक्स्ट की बात करें, 13.3 इंच LED बैकलाइट डिस्प्ले प्रोवाइड किए गए IPS टेक्नोलॉजी के साथ. उसके बाद 2560x1600 नेटिव रेजोल्यूशन है एट 277 पिक्सल. तो आप इसी से अंदाजा लगाने आपका डिस्प्ले कितना शॉर्ट होने वाला है. आपको अगर हम इसके वेट की बात करें तो आपको 2.8 पाउंड जो कि बनता है 1.29 kg, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये कितना स्लिम लैपटॉप है. आप इसमें इजीली अपनी कोडिंग कर सकते हो, आप अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल इस पर इजीली गुजार सकते हो, उसके बाद आप जॉब भी इस पर इजीली कर सकते हो जब तक आपके पास बजट ना बने. अगर आप इसको 7-8 साल के लिए अपना लैपटॉप पे इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप होने वाला है. थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप साबित होने वाला है. अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 119,000 और 180,000 के बीच देखने को मिलती है. ब्रांड न्यू लैपटॉप है, आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ देखने को मिलता है. आप इजीली आप अमेजोन से बाय कर सकते हो या आप कहीं से भी ऑफलाइन बाय कर सकते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. चलिए उसके बाद हम बात करें दूसरे लैपटॉप की तरफ बढ़ें. ये लैपटॉप अगर आपका कम बजट है तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है. अगर हम इसमें मॉडल की बात करें, डेल इंस्पायरॉन 3511 मॉडल है, जो कि आता है कोर i5-11 जनरेशन i7. वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोर चूज करते हो. तो ये आपको दोनों कोर i7 i5 के प्रोसेसर में देखने को मिल जाता है. अगर हम इसमें रैम की बात करें तो 16GB की स्पॉट है, जो कि आप मैक्स 32GB तक कर सकते हो. अगर हम SSD की बात करें तो आपको इनिशियल वेरिएंट में 512GB की SSD प्रोवाइड की गई है. अगर हम बात करें इसमें प्रोसेसर की, 2.4GHz का टर्बो बूस्ट प्रोसेसर है, जो कि 4.2 तक आता है. 4 कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, 8 थ्रेड के साथ ये लैपटॉप आता है. अच्छा जी, उसके बाद NVMe की स्पोर्ट बिल्कुल आपको 512GB देखने को मिल जाती है. इंटेल आयरिस XG ग्राफिक्स की स्पोर्ट भी देखने को मिल जाती है. 15.6 इंच
आपको इसमें स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पर लाइक आप 24 आवर काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप होने वाला। और स्क्रीन साइज के बाद इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, 1080p IPS डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आता है। उसके बाद कलर आपको इसमें सिल्वर देखने को मिल जाता है। अगर इसके वेट की बात करें तो 1.85 kg वेट है, जो कि काफी कम वेट है एज कम्पेयर लाइक 15 इंच के लैपटॉप काफी बल्की होते हैं, काफी उसमें वेट आपको काफी 2.9-2.5 के अराउंड देखने को मिलता है, तो इसका वेट भी काफी कम है, तो काफी थिन लैपटॉप है 15 इंच के हवाले से देखा जाए। उसके बाद हम बात करें USB की, दो USB आपको 3.2 की देखने को मिल जाती है, एक USB आपको 2.0 की देखने के मिल जाती है। कैमरा की बात करें तो 720p 30fps कैमरा HD क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाता है। विंडोज 11 की सपोर्ट्स के साथ आता है। आपको वारंटी इसमें इंटरनेशनल भी मिल सकती है और लोकल भी मिल सकती है। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज में ये 1,18,000 के करीब ये आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया गया, 16 GB 512 GB i5 11 जनरेशन के साथ। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है ये लैपटॉप की आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। अगर हम अपने थर्ड लैपटॉप की बात करें जो कि HP की तरफ से प्रोवाइड किया गया, HP ProBook 450G8 मॉडल है, काफी अच्छा मॉडल है, आपको इसमें भी मेटल बॉडी में प्रोवाइड किया गया। अगर हम जनरेशन की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, Core i5 11 जनरेशन में ये लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर हम इसमें रैम की बात करें 8 GB रैम प्रोवाइड की गई है, जो कि आप इंक्रीज कर सकते हो 32 GB तक, और 500 GB की SSD प्रोवाइड की गई है, जो कि आप 2 TB तक इंक्रीज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें वही 15.6 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। उसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम आगे बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको 2.4 टर्बो बूस्ट प्रोवाइड किया गया, 4.2 GHz तक जाता है, 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ ये लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है। रैम आपको ऑब्वियसली बात है 8 GB कि आपको PC4 की देखने को मिल जाती है, एंड मेमोरी की स्पॉट देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटेल आयरिस XE ग्राफिक, ऑब्वियसली बात है i5 11 जनरेशन में अभी तक इंटेल आयरिस XE ग्राफिक की स्पॉट ही देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर वेट की बात करें तो आपको वेट में जान के खुशी होगी, इसका वेट पिछले वाले डेल से भी कम है, 1.7 kg, जो कि 15 इंच स्क्रीन साइज के साथ बहुत ही कम वेट है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 150K अराउंड प्राइस देखने को मिलेगी, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हो इस प्राइस रेंज के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद हम फोर्थ लैपटॉप की बात करें तो असूस की तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड किया, बहुत ही खूबसूरत है, असूस की वीवो बुक S14 मॉडल है, काफी अच्छा लैपटॉप है। अगर हम इसमें CPU की बात करें i5 i7 दोनों की स्पॉट देखने को मिलती है, जनरेशन की बात करें 11 जनरेशन देखने को मिलेगी। अगर हम रैम की बात करें तो आपको 8 GB रैम देखने को मिलेगी, और अगर हम उसके बाद स्क्रीन साइज की बात करें 14 इंच स्क्रीन साइज है। अगर आपको छोटा कंपेटेबल स्क्रीन साइज चाहिए तो आपके लिए बेहतरीन लैपटॉप होने वाला है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें 1920x1080p IPS डिस्प्ले के साथ ये आपको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद हम बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 9 आवर होने वाली है। हम बात करें इसके बजट की, काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है, अराउंड 140-120 के अराउंड आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो कि इस बजट रेंज में ऐसा लैपटॉप बहुत ही फायदेमंद। और अगर आप इसमें इनिशियल लेवल पे एडिटिंग वगैरह भी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हो, बेहतरीन है, और ये इस प्राइस रेंज में मेरा बेहतरीन लैपटॉप। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ लैपटॉप, फाइनल लैपटॉप की, इस तरह का स्विफ्ट 5 मॉडल आता है, Core i7 11 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, इंटेल आयरिस XE की स्पॉट देखने को मिल जाती है, 16 GB रैम देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको 1 TB की SSD प्रोवाइड की गई है, जो कि NVMe है। अगर स्क्रीन साइज की बात करें 14 इंच में ये लैपटॉप आता है, और टच स्क्रीन के साथ 1080p IPS डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आता है। अगर हम वेट की बात करें 2.3 pounds, जो कि बहुत ही कम वेट है। अगर हम वेट की बात करें तो बहुत ही कम वेट है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। बैटरी लाइफ की बात करें तो अराउंड 12 आवर की बैटरी लाइफ प्रोवाइड की गई है,
और डिजाइन तो बहुत ही उम्दा प्रोवाइड किया गया। अब हम इसमें प्राइस रेंज की बात करें तो अराउंड आपको 140-155 के अराउंड देखने को इसमें मिलेगी। इस अगर आप एक न्यू लैपटॉप देख रहे हो तो इन पांच मॉडल में से कोई सा भी लैपटॉप आप चूज कर सकते हो और बजट के हवाले से आप देख सकते हो, एज कंपेयर कर सकते हो सब लैपटॉप्स को, क्योंकि ये यार आपकी एक मरतबा की इन्वेस्टमेंट है। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप इसमें पैसे डाल रहे हो, तो आप कुछ ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि आपके 7-8 साल इजीली गुजार दे। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट लैपटॉप होने वाले हैं अगर आप इस प्राइस रेंज में 1 लाख टू 2 लाख के अराउंड लैपटॉप देख रहे हो न्यू। तो अगर आप इस पे एट अ टाइम सब काम करना चाहते हो तो बेहतरीन लैपटॉप है आप सबके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक शेयर लाजमी कर दें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया करें, ये बिल्कुल नीचे होता है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।